आपने किसको वोट दी है, किन मुद्दों पर दी है? नहीं, मुद्दे तो महंगाई है, बेरोजगारी है और युवा बेरोजगार फिर रहा है। दूसरे उसके अलावा हमने तो इंडिया गठबंधन को वोट दी है और इंडिया गठबंधन की संभावित पूरे हिंदुस्तान में हवा चल रही है, क्योंकि आप हमारे जो भाजपा के मित्र हैं तो बेचारे भी शायद वो बौखलाए पड़े हैं, लगा ऐसा रहा है, क्योंकि इसमें जो ये देखते हैं हम उलझुल बयान देने वगैरह तो डिक्टेट ही कह रहे हैं, और संगन भी दे देंगे और मंगलसूत्र भी मुसलमानों को दे देंगे, उस तरह के वो तो घबराने से जब आदमी घबरा जाता है तो माने प्रधानमंत्री ने कहा है, वो तो तारीख तो मेरे याद नहीं हुई कि ऐसे ऐसे आपके जो है मैनिफेस्टो में लिखा हुआ यह है कि हम मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है कांग्रेस के बारे में या इंडिया गठबंधन के बारे में, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब हिंदू समाज और हमारे हिंदू भाई भी समझ चुके हैं इनकी भाषा को, कि ये सिवाय लड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा, कौन किसको दे देगा। और रह गई घुसपैठिए, वो घुसपैठिए मुसलमान कैसा है, अब वो तो चंद आदमी हर जगह उपलब्ध है, चाहे कोई सा भी समाज हो, मगर मुसलमान एक प्राप्त होता है, ये थे ब्रिगेडियर उस्मान अली जी, उन्होंने अपनी जान दे दी और वो पाकिस्तान में गए सिर्फ लिंक के, उनसे अपना लगाव में। उधर वो थे वीर अब्दुल हमीद, अगर वो इतफाक से पैंट न तोड़ते तो शायद आज हम फिर गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए होते पाकिस्तान की, क्योंकि उनका टारगेट ये था कि हम नाश्ता वहाँ करेंगे और खाना खाएंगे हम दिल्ली में। तो ये तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि हम अल्लाह ताला ने बचा दिए। तो अब जो मतदान हुआ है, क्या उम्मीदें हैं इसको? यहाँ तो मैं समझता हूँ 100% सुनीता वर्मा जी सुनिश्चित है, क्योंकि दलित प्लस मुसलमान सबका जाट और छत्री, क्योंकि भाई गाजियाबाद में पहले जीते सिंह लड़े थे चुनाव, वो करीब वो तो 5 लाख वोट रहते जीते थे, जो यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट है, उनका टिकट काट दिया, वो काट दिया, तो जो आदमी 5 लाख से जीत रहा है राजेंद्र अग्रवाल 5 और 3 बार के MLA हैं, वो थे MP थे, उनका टिकट काट दिया, ये काट दिया नहीं, ये तो भाजपा के जो लोग हैं तो अहंकारी लोग हो चुके हैं और अहंकार तो कुदरत को भी मंजूर नहीं है। जो जिस तरह से राहुल गांधी एक तरफ वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है देश के वो नफरत वाले बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं हिटलर दानिश हिटलर के, ये सब बात तो आदमी के पैदाइशी साथ आती हैं और मरने के बाद में सल चल जाती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो शाही परिवार है वो गांधी परिवार है, उनकी दादी रही, उनके वालिद शहीद हो गए मुल्क पे, उनके वालिद शहीद हो गए मुल्क पे, और वो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कन्याकुमारी से भारत को जोड़ना चाहते हैं, और जो प्रेम भाव होता है वो तो जानवर को भी अपने आप अपने पास बुला लेता है। हिंदुस्तान के आवाम तो बेचारा बहुत ही भला और सीधा आदमी है, क्योंकि यहाँ पर डिगडिगी जब मुगलों ने बजाई तो उनका राज रहा, जब डिगडिगी अंग्रेज ने बनाई तो उनका राज रहा, अब डिगडिगी ये भाजपा वाले ने बजाई थी कि भाई हम राम को लाएंगे, राम कोई 50 साल के थोड़ा ही, राम कोई 100 साल के थोड़ा ही, भाई राम तो सदियों से इस हिंदुस्तान में आए हुए हैं और हमारे महापुरुष हैं, इनके भी महापुरुष हैं, हम सब उनका मान सम्मान करते हैं, कहाँ से लाएंगे ये बताइए मुझे, कहाँ से लाए हैं, उनके तो नाम पे खाए कमाए रहे, रोटी सेक रहे हैं अपने हिंदू। मोदी जी विकसित भारत करना चाहते हैं, आप उनको रोकने के चाहते नहीं, विकसित भारत कैसे हो जाएगा? मैं मछारे का भी सुनने का शौकीन हूँ, तेल बेच दिया, रेल बेच दी, बेच दिया हवाई अड्डा, हर चीज का ये तो बेचने में लगे हुए हैं, तो ये विकसित भारत की बात है? क्या विकसित भारत है भाई? कांग्रेस ने क्या नहीं कराया हिंदुस्तान में?
लेकर स्विच है और प्लेन तक बनाए। क्या था हिंदुस्तान पर जब अंग्रेज गए थे यहाँ से, हर चीज ले गए थे यहाँ से, मगर उसके बाद भी हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 80 करोड़ आवाम को राशन दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, उस 80 करोड़ से क्या फायदा है, उन 80 करोड़ आदमियों को जैसे सऊदी अरब में अलसवा आदमी पड़ा रहता है, जब आदमी को फ्री की मिलेगी तो 80 करोड़ जो है आलसवा आदि हो जाएगा, धमाने का रहेगा ना, धमाने का रहेगा। आज हमारी फसल कट रही है, हमें फसल काटने के लिए बेचारे जो मजदूरी करते हैं चाहे वो किसी भी समाज के आदमी हैं नहीं मिल पाते। तो पाँच किलो राशन की पिसाई कैसे होगी, उसकी रोटी कैसे बनेगी, उसकी सब्जी कैसे बनेगी, कहाँ से आएगा पैसा। पीएम सम्मान निधि में से आ रहा है पैसा, एक एक किसान को 2-2 हज़ार रुपये दे रहे, क्या हो रहा 6 हज़ार में। भाई ये फैक्ट्री बनाते, कारखाने लगाते, जिले लेवल पर लगाते या प्रदेश लेवल पर लगाते या ब्लॉक स्तर पर लगाते, और हमसे यूँ कहते हैं कि ये कॉपरेटिव हमने लगा दिया, इसका जो संचालन होगा वो कॉपरेटिव तरीके से होगा और इसमें रोजी रोटी आपको मिलेगी। तो विकसित भारत कहाँ हुआ है आपके इलाके में भी ये बात करें तो, किस पार्टी को लिया हुआ है, किस के नेतृत्व? ये किठौड़ विधानसभा क्षेत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शाहिद मंजूर साहब चार मरतबा के विधायक हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शाहिद मंजूर साहब चार मरतबा के विधायक हैं और इनके वालिद साहब 5 मरतबा 9वीं बार ये विधायक हैं। जिस तरीके से इस किठौड़ विधानसभा ने वोटों को जागरूक किया, शाहिद गुरु भी सपोर्ट हैं, तमाम लोगों ने सोच लिया था कि 26 तारीख को गठबंधन को सपोर्ट करना है और बीजेपी जो सरकार चली जा रही है तानाशाही, इस तानाशाही ने सबको बांटने का काम किया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति बिरादरियों ने एक अहम फैसला लिया कि 26 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर इस बीजेपी को यहाँ से खदेड़ कर और गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देगा। सरकार ने फ्री सिलेंडर भी आने गरीबों के लिए काफी मदद की है। सिलेंडरों को भी आपको मालूम है, जब कांग्रेस की सरकार थी 400 कुछ का सिलेंडर था, सुमित्री ईरानी जो रोड़ों पर बैठकर सिलेंडर सिर पर रखकर ये लोग चलते थे, क्या बोलते कि महंगाई बढ़ेगी। आज सिलेंडर किस रेट का हो रहा है आप देखिए, आपको जानकारी है, सभी को जानकारी, 1000 पार हो गया, अब महंगाई नहीं दिखाई दे रही। जब चुनाव आता है तो ये लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान, कहीं मंगलसूत्र की बात, कहीं जाति की बात, कहीं बिरादरी की बात। मैं मंगलसूत्र की बात कहनी चाहता हूँ, जो भाजपा के नेता बोल रहे हैं मंगलसूत्र किसी की औकात नहीं अगर छीन कर किसी को दे दें। अभी प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी माँ ने तो मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये लोग जुमलेबाज है, जुमलों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। अच्छा, मतदान हो चुका है, क्या उम्मीद है आपको? आप देख लीजिए, कहने की जरूरत ना, एक तरफा चुनाव है, हर जाति बिरादरी का वोट पड़ा है, गठबंधन को पड़ा है, पूरे क्षेत्र में आप भी सब